राम लगातार जारी है, लेकिन इस सियासी दंगल के बीच अब पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। सियासी लड़ाई आतंकवाद तक पहुंच गई। बिल्कुल, पाकिस्तान की एंट्री ने एक बात साफ कर दिया है कि कांग्रेस जैसे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुहिम के पिच पर आकर खेल रही है। जब भी देश से जुड़ा कोई मुद्दा होगा और कम से कम आतंकवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा तो किसी भी नेता का इस तरह का बचकाना बयान निश्चित तौर पर दूसरे राजनीतिक दलों में पूरी तरीके से बाजी दे देगा। और यही आप देखा, आपने जिस तरह से महाराष्ट्र के नेता का बयान आया, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। कसाब से लेकर पाकिस्तान एक बार फिर जो है चर्चा में शुरू हो गया। जब अगर हम बात करें पहले चुनाव में, पहले फेज का जो चुनाव था उसमें चर्चा मुद्दों पर हो रही थी और दूसरे तीसरे फेज तक आते आते अब पाकिस्तान और कसाब पर पहुंच गया। तो ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि कम से कम कांग्रेस की किस बात पर क्या जवाब देना है। कांग्रेस को ये सोच समझ कर बोलना होगा इस चुनावी मुहिम में कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो है लिए कम से कम फेवर वाले मुद्दे होंगे। इस तरह के बयान को लेकर हालांकि हर तरफ निंदा की जा रही है। कसाब को लेकर पाकिस्तान ने भी दोषी माना था, कसाब को माना था पाकिस्तान ने कि जो 26/11 हुआ था उसमें जो कसाब था वो शामिल था। तो ऐसे में भारत के किसी देश के अपने देश के नेता का इस तरह का बयान वाकई में एक शर्मिंदगी भरा बयान हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि सियासी दौर चल रहा है, इस दौर में इस तरह के बयानबाजी आमतौर पर पहले भी देखने को मिली है। तो ये इस तरह के जब भी बयान आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के का लूफोल है निखिल, कि जो मुद्दे यहाँ पर उठाए जाने चाहिए उन मुद्दों को अच्छे से विपक्ष नहीं उठा पाता है, और इस तरह की बयानबाजी के चलते खुद ही कहीं ना कहीं विवादों में गिर जाता है विपक्ष। बिल्कुल, आप पिछले अगर दो चरणों के चुनाव में देखें तो इस तरह के बयान जो है हरदम इस बात का संकेत दे देते हैं कि कांग्रेस के नेता इस चुनाव को लेकर कितना गंभीर है। इससे पहले जो है बयान आया था कि जब हमारी सरकार बनेगी, या दूसरे देशों में अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके जो प्रॉपर्टी होती है उसका हिस्सा जो है सरकार के पास चला जाता है और कुछ बचा हिस्सा जो है परिवार के लोगों को मिलता है। उसका भी बीजेपी ने जो है मजबूती के साथ जो है चुनाव में इस्तेमाल किया। भाजपा ने साफ कहा कि दरअसल ये अंग्रेजों के जमाने के कानून की बात करते हैं और चाहते हैं कि जो देश में गरीब कमजोर आदमी है वो गरीब कमजोर बना रहे। तो इसका चुनावी लाभ जो है कम से कम तीसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ा। और अब कल जिस तरह से बयान आया है कांग्रेस के नेता का, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है। चाहे जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या भाजपा के और बड़े नेता हो, सभी इस मुद्दे को लेकर अब चुनावी मुहिम में जाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पाकिस्तान को लेकर जो है वो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की क्या सोच है। देश में कोई आतंकी हमला होता है तो उसको लेकर क्या सोच है। जी बिल्कुल, और इसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है। फिलहाल कहां तक की लड़ाई पहुंचेगी